तो गाइस ये हमारे गांव के लोग हैं जो ऊपर रहते हैं। अरे दूर हो जा। अरे टाटा टाटा। तो गाइस दीदी को देखो बहुत अच्छा हुआ, बहुत दिनों बाद दीदी मिली है, क्या 2-3 साल हो गए। अबे दीदी चलाना विवेक, मुझे तारो तक पहुँचाया, देखो बुआ को डर लग रहा है गाइस। ऐसा लग रहा शराब पियो बिल्कुल आप लग नहीं रहेगा। गुड इवनिंग, सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज भुजरियां सराएंगी, तो गाइस भुजरियों को सराएंगे आज हम। तो गाइस तैयार होते हैं और तैयार होकर चलते हैं बाहर, जिससे भुजरियां सराएंगे और सारे लोगों को भुजरियां अर्पित करेंगे, दान करेंगे, देंगे, एक दूसरे लेंगे। बच्चे गेट से लटक कर मत झूल, वरना गिर जाएगा, टूट जाएगा गेट। ये भाई ये देखो सस्ती जुगाड़ लेके बैठा है, अभी गिर पड़ेगा, टान टूट टूट जाएगी अभी। तो गाइस तो रही बना स्टार्ट हो गई है, भुजरियाँ सिरेंगी सब लोग होंगी। तो जाओ अपनी अपनी भुजरियाँ लेके आओ, ओए झूले लाल अपनी भुजरियाँ लेके आया। भाई हमारे माठ साहब आ गए। हाँ माठ साहब जी नमस्ते। माठ साहब ये क्या पानी का कैन लेके आओ, यहाँ पे पानी की कमी नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो माठ साहब स्कूल से कैन लेके आए हैं पानी का, कैंपर। सो गाइस भुजरियों को उठाना है हमें, यहाँ से भुजरियाँ सिरने जा रही हैं, तो उठा ले दोनों हाथ से। बहुत बड़ी हो गई, दोनों हाथ से उठा ले बस ऐसे ही, और इनको भी उठा ले एक दूसरे हाथ से। तो गाइस भुजरियों को जलाना भी है, क्योंकि जला के ले जाते हैं, बेचारे जलाने नहीं ले जाते। तो गाइस 7 बार जला देते हैं इनको, अच्छे से पकड़ के रखियो, गिनना पड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो गाइस ये झूल चुकी हैं, तो अब इनको ले जा, ले जा। क्या बे कौन है बे चड्डा मैन? अबे कौन है बे तू? ओ चड्डा मैन। तो गाइस ये चड्डा मैन है, मेरे से हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है। चड्डा मैन सुन ले मेरी बात। गाइस ये देखो ये जा रहे भुजरियों सराने, तो ये साइकिल से नहर में सराने जाएंगे। बढ़िया जाओ जाओ सराने, साइकिल से आ रहे, बहुत दूर है नहर इसीलिए। तो गाइस ये भुजरियाँ गिर गई हैं, इन पर भुजरियाँ सर रही हैं, भुजरियाँ संभाल पा रहे ये लोग। अच्छे से पढ़ो चाहे यार, मतलब है कॉन्सेंट्रेट पावर से। वाह 7 बार जुलाने जा गिन के, वरना भूल जाओ आप। नहीं भूल जाओगे आप, 7 हो गई है इनको जुलाओ भाई। कुत्ती पुत्ती बड़ी है यार। चाचा इसमें कौन सा खाद डाला था चाचा? अच्छा गोबर का, ऑर्गेनिक खाद से बनाई है। देखो गाइस मैं बता दूं ये कैसे बनती है, आप नहीं जानते तो। इनको बिना हवा के बनाया जाता है, मतलब हवा नहीं दी जाती, जितने दिन डाला जाता है सिर्फ ऑक्सीजन पे आधारित रहती हैं, जिससे हरी हो जाती है, वरना धान पक जाए। ये चावल की बनती है, धान की बनती है, धान की उसी। तो गाइस ऐसे जगह जगह लोग बैठ जाते हैं और अपनी ये क्या कहते हैं भुजरियों को अर्पित करते हैं, लेते हैं, और जिससे क्या मतलब समझ लो ये बहुत पुरानी परंपराएं हैं। ऐसे सब लोग भुजरियों को ऐसे वो कट रही थी, उन्हीं को ऐसे बांटते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं आज के दिन। तो गाइस गाँव के चौराहे भी देखो लोग बैठे हैं, तो ये भैया जा रहे हैं उनको देंगे, अर्पित करेंगे सबको, ऐसे ही सबको पूरे गांव में ऐसे ऐसे। और ये देखो मेरे जीजा जी भी चले, तो इनके अब घर पे जाऊंगा मैं, इनसे मिलूंगा। ये देखो सबको अर्पित कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही पूरे गांव में ऐसे ही चलेगा सब दिन, मतलब पूरी नाइट तक 8-9 बजे तक ऐसे ही। कहीं ये देखो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या ये भुजरियाँ? दो। अब पैर तो चबा लो, तुमने दे नहीं है तो। गाइस पैर चूना पड़ता है लड़कियों का, बस चलो चलो भाई अपने मोहल्ले में वापस आ गए। तो गाइस मैंने देखो ले लिया, अब मैं बिजनेस करूंगा इनका, डबल करूंगा, एक का डबल होगा सबका, देखना तू बड़ा मजा आएगा। अरे तुम तो भागी गाइस, काफी सारे लोग हैं भाई, बहुत भीड़ पड़ रही है, ये देखो कितने सारे लोग हैं। मैं सामने देखो कितना सारा सैलाब आ रहा भाई, कितने सारे लोग हैं, सबके साथ राम राम करनी पड़ेगी मुझे भी। तो गाइस जन सैलाब आ चुका है। तो गाइस ये हमारे गाँव के लोग हैं जो ऊपर रहते हैं। हेलो गाइस, मैं भी हूं। हां बुआ जी हैं, सब लोग हैं। सब लोग हैं। पूरी पलटन है हमारी, पूरे मोहल्ले की। अरे दूर हो जा, बच्चों को पैर छीने, पैर छुपाओ। जय हो, जय माता दी। हाँ तो पैर छू, तू पैर छू, तू छू। हाँ लो। हाँ गुड। अरे टाटा। तो आज भुजरियाँ सिल रही हैं, तो ये देखो भैया कैसे हंस रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग हैं, यानी घटते का नाम नहीं ले रहे, बढ़ते जा रहे हैं सब लोग। तो सबको साफ हो गया गाइस, सब धीरे धीरे यहाँ से पूरे गांव का ऐसे ऐसे चक्कर लगाएंगे, सारे के सारे जा चुके हैं।
गाइस काम ना दे रहे हैं मुझे, मनी 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 बच्चे बच्चे मेरे साथ मजाक कर रहे हैं साले, बच्चे मन के कच्चे बहुत खराब होते बच्चे। ये तो लड़की इसके अच्छी नहीं बनेगी। तो बुआ कहाँ तक गए थे आप लोग? हम लोग स्कूल तक गए थे। ओ नो, स्कूल तो बहुत दूर है यहाँ से। यस यस, तब घर पे जाने की तैयारी मुझे ऐसा लग रहा है। हम देखो ये भुजरिया बांटने गए थे। हाँ तो मैंने ही बांटी स्कूल की साइड, उधर ही गए थे हम। अच्छा गाइस, मैंने सोचा था कि एक का डबल होगा, लेके एक का आधा गया। ओ लड़की पूर्वी हेलो, अब घर पे जा रहे हैं, बाय बाय। तो ये देखो ये पलटन भी आ रही, तो इनके साथ भी राम राम करते हैं। तो गाइस दीदी को देखो बहुत अचंभा हुआ, बहुत दिनों बाद दीदी मिली है, क्या 2-3 साल हो गए गाइस, क्योंकि दीदी क्योंकि आ तो मैं अब सवेरे ऐसे नहीं देखा है, क्योंकि दीदी के जॉब है तो दीदी जॉब पर चली जाती हैं। दीदी मेरे से ले लो, पैर वैर चबा लो, राधे राधे, सफल हो क्यों ना। तो बच्चे भी है, पैर छूगा क्यों नहीं छूगा, सब सबसे ले लूँ मैं एक बार। ये देखिए गाइस आशीर्वाद लेते हुए बहनों का, लीजिए लीजिए। तो दीदी आप लोग मेरी इमानत पूरी ले लो, राधे राधे, क्योंकि अब मैं आपसे दोबारा पूरी पूरी ले लूंगा। दो अब वापस कर दो, क्योंकि दिस इज अ बिजनेस। मम्मी को बुलाने किधर जा रहे भैया? तो गाइस अब बारी आ गई झूले पे झूलने की। भाई कितना बड़ा लंबा झूला डला है देखो ऊपर से। चाचा चाचा डर नहीं लग रहा थोड़ा? क्यों, बहुत लंबा है ना, देखो कितना पीछे जा रहा है, कितना आगे जा रहा है। मेरा ही मन कर रहा है तो मैं भी जाता हूँ। तो गाइस जैसे सभी मैं झूलने वाला हूँ, तुम बना जैसे झूले पे पूरा ये दूरा बन जाता है सब में, बहुत मजा आएगा। अच्छा नहीं हो, अबे जोर से ना जोर से, अबे ए मत झूला रे, वो स्टार्ट उड़ गया आवाज। तो गाइस विवेक को घुमाने वाला हूँ, विवेक ने मुझे तारों तक पहुँचाया, आसमान तक पहुँचाया। मैं इसको चंद्रमा फोर बना दूंगा। अब देखो अब देख तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो अरे बाबा, ओ भैया इतना भारी है ये, मोटा सांड है ये। अब इसकी टांडा इसमें नहीं दिए, मजा कर रहे भाई, वीडियो क्या को बना रहे। सो गाइस तो गाइस चंद्र फोर स्ट्रक्चर सुन रहा, व्यू पर नहीं आ पा रहा है, ये टंग गया है। मांसू चाचा उड़ रहे हैं। ओए विवेक धीरे से चला यार, हवा में उड़ जाएंगे ये तो। हवा में उड़ जाएंगे, भूख में ही दम वगैरह नहीं है। विवेक झूलो बच्चों झूलो, इनको डर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। सही है भाई, सावन का झूला आता है और सबको झुलाता है, बहुत मजे आते हैं। यही तो एक ऐसा टाइम है गाइस जिसमें बच्चे मजे कर पाते हैं, और ये मनपसंद चीज़ें जो पार्कों में मिलती हैं, गाँव में तो लोग पेड़ों पर ही डाल लेते हैं और अपना मजा करते हैं बच्चे। तो गाइस बुआ आ गई है, बुआ को झूला झूलना है। तो कंटेंट बनेगा हमारा, तो आप झूला झूलो हम भी देखेंगे। झूलो झूलो विवेक, आराम से चलाइयो आराम से। बुआ को डर लग रहा है गाइस। अरे यार देसी झूला। अरे भयंकर चक्कर आ रहे भयंकर वाले। ओह जेन्युइन जेन्युइन रिएक्शन, आपका जेन्युइन रिएक्शन। 360 डिग्री घुमा दिया गाइस, बहुत खतरनाक थे, ऐसा लग रहा शराब पियो बिल्कुल। बिल्कुल आप लग भी रहे हो अभी, बहुत खतरनाक। चल ठीक है गाइस, अभी झूला बिल्कुल खाली पड़ा है क्योंकि सारे के सारे लोग जा चुके हैं। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा, एंजॉय करो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं द व्लॉग में, जब तक के लिए बाय एंड कीप स्टिल वॉचिंग टू सुकुमार व्लॉग्स वर्ल्ड। जब तक के लिए होल्ड आउट एंड बाय बाय।